मध्य प्रदेश सरकार ने आज 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पिछले बजट से 16% अधिक का बजट भाषण पढ़ा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बजट को जनता से विश्वासघात वाला बजट बताया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वायदे किए थे, वह सारे वादे वित्त मंत्री के बजट भाषण से गायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों के लिए किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से की अपनी 4 घोषणाओं को बजट में कोई स्थान नहीं दिया और स्पष्ट कर दिया है कि यह सरकार जन विरोधी है और जनता से विश्वासघात करने वाली है और वादा खिलाफी इसके स्वभाव है। इस बजट से मध्य प्रदेश की जनता को भारी निराशा हुई है।